हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं ट्रांसलेशन स्टडीज़ को। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रांसलेशन स्टडीज़ का मेजर टर्म्स देखेंगे जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, कीवर्ड्स या कुछ मेजर टर्म्स, एंड देन हिस्ट्री देखेंगे ट्रांसलेशन स्टडीज़ की कि कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। सो बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन इट इन्वॉल्व्स बोथ रिटन ट्रांसलेशन भी हो सकता है और ओरल ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। ओरल ट्रांसलेशन को इंटरप्रिटेशन भी कहा जाता है, राइट? सो दिस इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन वो हमेशा साथ साथ आ जाते हैं, राइट? सो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में इंटरप्रिटेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल है कि यू नो यू हैव टू कीप इन माइंड हाउ द ट्रांसलेशन इज इंटरप्रेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज। सो ट्रांसलेशन क्या है? बेसिकली इट्स द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको ट्रांसलेटिंग कहेंगे। सो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में मोस्टली बेसिकली टू लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एक लैंग्वेज को दूसरे में आप यू नो ट्रांसलेट करते हो। सो कुछ मेजर टर्म्स है जो आपने जहन में रखने हैं, जिसमें से पहला आ जाता है आपके पास ST यानी सोर्स टेक्स्ट। सो सिंपली नाम से ही पता चलता है सोर्स टेक्स्ट वो लैंग्वेज है जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। सो बुक में यहाँ पे डिफाइन इस तरह किया गया है कि ओरिजिनल रिटन टेक्स्ट, ठीक है, जिसको आप दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको सोर्स टेक्स्ट कहेंगे, ठीक है, और उस लैंग्वेज को, ओरिजिनल वर्बल लैंग्वेज को सोर्स लैंग्वेज कहेंगे। और जिस लैंग्वेज में या जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं ट्रांसलेट उसको टारगेट लैंग्वेज कहेंगे। और रिटन टेक्स्ट यानी दूसरे लैंग्वेज में आप जो रिटन टेक्स्ट ट्रांसलेट करेंगे दूसरे लैंग्वेज में उसको हम कहेंगे जी टारगेट टेक्स, ठीक है। सो ये कुछ चार की टर्म्स है, सोर्स टेक्स, सोर्स लैंग्वेज, एंड देन टारगेट लैंग्वेज और टारगेट टेक्स, ये चार चीज़ें आपने जहन में रखनी है। सो बिटवीन टू लैंग्वेजेस हो तो दिस टाइप कोरस्पॉन्ड्स टू इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कहा जाता है। इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन में क्या होगा? सो बेसिकली इसके तीन टाइप्स को हम देखेंगे कि रोमन जेकोब्सन का बड़ा रोल है इस इन टर्म्स को डिफाइन करने में, कुछ बेसिक टर्म्स को। सो वो डिफाइन करते हैं कि वन टू लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होती है तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कुछ आस्पेक्ट्स है, सम लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। सो उसने इसको इस तरह कैटेगराइज किया, द फर्स्ट वन इज़ इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। इसके अंदर क्या होगा? इंट्रालिंगुअल नाम से पता चलता है विद इन लैंग्वेज। सो इसको रिवर्डिंग भी कहा जाता है इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन को। सो इसमें क्या होता है? एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ अदर साइंस ऑफ द सेम लैंग्वेज, यानी विद इन सेम लैंग्वेज जो आप ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन करेंगे उसको इंट्रालिंगुअल कहेंगे। सेकेंड वन इज़ इंटरलिंगुअल यानी बिटवीन लैंग्वेजेस, इट इन्वॉल्व्स बिटवीन टू या मोर लैंग्वेजेस, इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ सम अदर लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इज़ इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन या जिसको ट्रांसमोटेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ साइंस ऑफ द नॉन वर्बल साइंस सिस्टम। नॉन वर्बल साइंस सिस्टम से मुराद फॉर एग्जांपल म्यूज़िक आ गया, फिल्म आ गया, पेंटिंग आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। मज़ीद एग्जांपल के साथ इनको एलाबरेट किया है वो हम देखेंगे। सो एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं मज़ीद इसको एलाबरेट करने के लिए। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं जब हम रेफ्रेज करते हैं। When we rephrase an expression या text into the same language to explain, इसको मज़ीद clarify करने के लिए। And then intersemiotics translation के अंदर it occurs if a written text को translate किया गया है वो दूसरे non-verbal sign system के अंदर। non-verbal में आपके पास music आ गया, film आ गया, painting,
या दूसरे कोई भी है, राइट। सो इट इज़ इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन विच इज़ द ट्रेडिशनल, जो कि ट्रेडिशनल है। सो ट्रांसलेशन स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था, द एक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। सो इसके अंदर ट्रांसलेटर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो एज अ एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन द सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, की वो किस तरह उन फीचर्स को प्रिजर्व करता है, सेम उसी तरह, राइट। सो क्रूशल प्लेयर इन द इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर। और कुछ मेजर फिगर्स में देखा जाए तो डच बेस यूएस स्कॉलर जेम्स एस होम्स का इम्पोर्टेंट रोल है, उसके होम्स के मॉडल को अलग से डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर। एंड देन डेवलपमेंट में देखा जाए तो स्नेल हॉर्नबी, ही इज़ एबल टू टॉक इन अ प्रीफेज ऑफ द ब्रेथ टेकिंग डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज इज इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एंड अ प्रोलिफिक international discussion on this subject। and then Mona Bakker important figure है, वो अपनी एक work है उनकी introduction to Routledge Encyclopedia of Translation 1997 की, and यहाँ पर वो बात करती है effectively of the richness of exciting new discipline, राइट। सो उनका भी इम्पोर्टेंट नाम है ट्रांसलेशन स्टडी के डेवलपमेंट में। सो देर आर टू वेरी विजिबल वेज इन विच ट्रांसलेशन स्टडीज हैज़ बिकम मोर प्रोमिनेंट। पहला इस तरीके से कि देर हैज़ बीन अ प्रोलिफरेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग कोर्सेज, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टडीज के डिवेलपमेंट में पहला काम ये हुआ कि एक स्पेशलाइज ट्रांसलेशन और इंटरप्रेटिंग कोर्सेस यू नो इंट्रोड्यूस किए गए एट बोथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। इसका बड़ा रोल था यू नो इन द यूके में एंड 1960s के दौरान। लेटर ऑन 1999 और 2000 के बीच में क्या हुआ, देयर वर एटलीस्ट 20 पोस्ट ग्रेजुएट translation courses in the UK and several design centers of translation, कुछ centers भी कायम किए गए translation studies को promote करने के लिए। फिर मज़ीद देखा जाए तो दूसरे courses भी offer हो गए small level पे, जो कि focus करता है practice of literary translation के ऊपर, जैसा कि University of East Anglia हो गया एंड ब्रिटिश सेंटर फॉर लिटरेरी ट्रांसलेशन हो गया। फिर यूरोप में भी तरक्की होने लगी ट्रांसलेशन स्टडीज़ में, एंड देर इज़ नाउ अ नेटवर्क ऑफ सेंटर्स का एक नेटवर्क है वेयर लिटरेरी ट्रांसलेशन इज स्टडीज प्रैक्टिस एंड प्रोमोटेड। फिर 1990s में क्या हुआ, 1990s के अंदर आल्सो सॉ अ प्रोलिफरेशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड किए गए, बुक्स लिखे गए, जर्नल्स पब्लिश किए गए ट्रांसलेशन स्टडीज पे, ट्रांसलेटिंग इनटू मेनी लैंग्वेजेस। फिर जर्नल, कुछ मेजर जर्नल्स के नाम जैसा कि बेपल हो गया जो कि नेदरलैंड का है, मेटाक कनाडा का है, पैरालिलिस जो कि स्विट्जरलैंड का है, और ट्रड्यूरी फ्रांस का है, ठीक है। मेजर जर्नल्स के नाम है जो कि पब्लिश किए गए उस वक्त और मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज में। फिर कुछ प्रोफेशनल पब्लिकेशंस जो कि डेडिकेटेड है प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, जैसा कि इन द यूके के अंदर द लिंग्विस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्ट्स, और आईटीआई है जो कि क्या है, बुलेटिन ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और दूसरा स्मॉलर पीरियोडिकल्स है जैसा कि ट्रांस जो कि इसराइल में है, बेट स्पेन में है। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड किए गए 1999 टू 2000 के बीच में। सो कुछ वैरायटी ऑफ की थीम्स उन्होंने जहन में रखा ट्रांसलेशन स्टडीज़ के डेवलपमेंट में, जैसा कि ट्रांसलेटिंग क्या है, ट्रांसलेशन एंड ट्रेनिंग ट्रांसलेटर्स,
और उसके अलावा लिटरेरी ट्रांसलेशन पे काम हुआ, रिसर्च मॉडल इन ट्रांसलेशन स्टडीज, एंड देन जेंडर एंड ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन इन कल्चर, ट्रांसलेशन इन ग्लोबलाइजेशन, लीगल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इन मीनिंग, एंड देन ट्रांस अडेप्टेशन और पेडागोगिकल चैलेंजेस। ये सारे मेजर एरियाज थे जिन पे जिनको जहन में रखा गया। उसके अलावा वेरियस ट्रांसलेशन इवेंट्स को हेल्ड किया गया इंडिया के अंदर, और ऑनलाइन ट्रांसलेशन सिंपोजियम्स को ऑर्गेनाइज किया गया बाय एंटोनी पिम फ्रॉम द स्पेन इन जनवरी 2000। फिर ट्रांसलेशन स्टडीज इज नाउ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड डायनामिक न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च बन चुका है आज, जो इनकम्पास करता है यानी उसके अंदर मल्टीपल थिंग्स आते हैं, एक्साइटिंग मिक्स ऑफ द अप्रोचेस। ब्रीफ हिस्ट्री अलग से मैंने डिस्कस किया हुआ है, सो इसमें भी एक नज़र डालते हैं कुछ मेजर लिटरेरी फिगर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ट्रांसलेशन। उनमें सिशारो आते हैं, हॉरस आते हैं 1st century BCE के अंदर, एंड देन सेंट जीरोम 4th century BCE, एंड जिनको हम इनकी थियोरीज को अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट जीरोम ने उनकी ट्रांसलेशन है ट्रांसलेटिंग द ग्रीक, यानी बाइबल को ग्रीक में उन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसको सेप्टाजेंट बाइबल भी कहा जाता है। एंड उसके अलावा जो डेवलपमेंट हुई, द फील्ड डेवलप इनटू एन एकेडमिक डिसिप्लिन। लेटर ऑन ट्रांसलेशन स्टडीज अब एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओनली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th century में डेवलप हुआ है। राइट, सो बिफोर दैट, उससे पहले क्या था, ट्रांसलेशन हैड नॉर्मली बीन मेयरली एन एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन मॉडर्न लैंग्वेज कोर्सेज। सिर्फ एक लैंग्वेज लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ होता था, बस इतना स्कोप था। लेटर ऑन इसका स्कोप बढ़ गया और एक मेजर फील्ड, एकेडमिक फील्ड बन गया रिसर्च में और दूसरे एरियाज में। एंड देन एक मेथड था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड उस टाइम का, जो कि लैंग्वेज लर्निंग पर्पस के लिए, रोट स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स उस पर्पस के लिए यूज़ होता था। एंड उसके अलावा ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस वर रिगार्डेड एज अ मीन्स ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, उस टाइम की बात करता है जब ट्रांसलेशन स्टडीज फुली डेवलप नहीं हुआ था। लेटर ऑन इसका स्कोप बहुत बढ़ गया, एंड देन इट बिकम एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन। सो इन द USA के अंदर ट्रांसलेशन स्पेसिफिकली देखा जाए तो लिटररी ट्रांसलेशन वॉज प्रोमोट इन द यूनिवर्सिटीज 1960 में, यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोमोट किए गए, ट्रांसलेशन वर्कशॉप रखे गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गए, एंड देन पब्लिकेशंस एंड ऑल ऑफ दिस। और एक अप्रोच है जिसको कंपैरेटिव लिटरेचर कहा जाता है, वेयर लिटरेचर को स्टडी किया जाता है, उसको कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनली या ट्रांसकल्चरली। ठीक है, इम्पोर्टेंट फील्ड है, एरिया ऑफ रिसर्च है। कंपैरेटिव एनालिसिस एक और इम्पोर्टेंट एरिया आ जाता है ट्रांसलेशन स्टडीज के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दिस इज़ द स्टडी ऑफ द टू लैंग्वेजेस इन कंट्रास्ट इन एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द जर्नल एंड स्पेसिफिक डिफरेंसेस बिटवीन देम। And later on, in some universities, translation continues to be studied as a model on applied linguistic courses, maybe as a model use होने लगा। So more systematic approaches आने लगे translation studies में, and linguistic oriented approaches to the study of translation began to emerge in 1950s and 1960s. फिर इनके थियोरीज को हम देखेंगे, यूजीन निडा एंड अदर्स, और आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम्स टावरी मैप को। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।